So guys, good afternoon. My name is Moinak. Hope you guys are doing absolutely fine and welcome to my channel. So, all right guys, तो आज मैं आया हूँ रोजडेल प्लाजा जो कि है न्यू टाउन एरिया में एक्शन एरिया 3. आप देख सकते हो पीछे किंग्स बेकरी है, तो आज मैं वहाँ पे आया हूँ एंड आज मैं कुछ ऑथेंटिक कोरियन डिश ट्राई करने वाला हूँ. मत जाइए कि ये बेकरी है तो यहाँ पे सिर्फ केक्स और पेस्ट्री मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक कोरियन डिश आपको मिल जाएगा. तो आज मैं पहली बार कोरियन डिश ट्राई करने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कैसा है और आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ, ठीक है. और जो डिश मैं ट्राई करने वाला हूँ उसका डिश का नाम और प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा. ये चलता हूँ और आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूँ इसके, इंटीरियर कैसा है, यहाँ पर हाइजीन कैसा मेंटेन किया है. ओके, सो हाइजीन के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है गाइस. यहाँ पे हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ आप जिस टेबल में आप खाओगे वहाँ पे आपके सामने पूरा जो टेबल है उसको सैनिटाइज किया जाए. तो चलिए चलते हैं और कुछ वीडियोस, कुछ शॉर्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ इसके इंटीरियर कैसा है एंड यू विल लव इट गाइस. ओके, तो चलिए चलते हैं. ऑलराइट गाइस, तो कि मैंने क्या क्या ऑर्डर दिया है तो प्लीज़ बने रहिएगा, ठीक है. तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है किंग्स बेकरी. तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आके कोरियन डिश ट्राई कर सकते हो, ठीक है. और जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका एड्रेस और लैंडलाइन नंबर मैं आपको दे दूँगा, अगर आपको यहाँ पे आना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आके कोरियन डिश ट्राई कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे जो फूड्स है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो रहा है, तो कुछ टाइम लगेगा फिर मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है. सो बने रहिए. ऑल राइट गाइज, तो मैंने खाना ऑर्डर कर लिया है, ठीक है. ये तीन डिश मैंने ऑर्डर किया है, आप देख सकते हो, ठीक है. तो दादा यहाँ पे खड़े हैं, ये आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और इसका नाम क्या है, ठीक है. तो पहला जो है ये डिश आप देख सकते हो, तो दादा बताएंगे कि क्या है इसमें. ये डिश का नाम कीमाब है. ट्रायंगल कीमाब गाइज, ओके. ट्रायंगल कीमाब है, ओके. इन साइड चिकन है, ओके. मिडिल में चिकन है, दोनों साइड राइस है, और ये ट्रायंगल किम्बाब कहते हैं. ओके, सो दिस इज ट्रायंगल किम्बाब और इसमें चिकन है. तो अगर आपको यहाँ पे आके अगर ये खाना है तो डेफिनेटली आप किम्बाब ट्राई कर सकते हो, ठीक है. तो ये रहा किम्बाब. तो ये ट्रायंगल किम्बाब मैं खाने जा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट आइटम है, कोरियन डिश है. तो इसको जो इसको खोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. तो यहाँ पे स्टेप वाइज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट स्टेप है. तो आप इसको पहले इस तरह से राउंड से तरह से आपको खोलना पड़ेगा. ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद इसको okay. इसको पकड़. ओके, सो गाइस दिस इज द सेकंड स्टेप, ठीक है. इसको भी उसके बाद दिस इज द थर्ड स्टेप. तो ये जो पेपर है इसको बोलते हैं सीबी पेपर, ठीक है. तो इसी के साथ आपको खाना है. तो ये देखने में एक्चुअली सैंडविच की तरह लग रहा है, लेकिन ये सैंडविच है नहीं. इसमें राइस है, इसमें चिकन है और इसमें कुछ मेयोनीज समथिंग कुछ दिया हुआ है, ठीक है. तो इसको ट्राई करते हो, देखते कैसा है. ऑलराइट, दिस इज अमेजिंग. This is the first Korean dish that I am trying.
बट दिस इज अमेजिंग। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली ये आप ट्राई कीजिएगा। मैं ये ट्राई करने वाला हूँ, दिस इज़ आज का जो टुडेज स्पेशल मेनू में था, दिस इज़ चिकन और यहाँ पे वाटरमेलन भी दिया है, यहाँ पे राइस है और यहाँ पे अनियंस ये सब दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका, इसको ट्राई करते हैं कैसा है इसका टेस्ट। ओ अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग गाइस। ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा राइस भी दिया है, तो राइस के साथ थोड़ा सा ट्राई करते हैं। दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। ओके तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली ये डिश आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। दिस इज अमेजिंग। ऑलराइट, तो ये रहा सेकेंड डिश और नाउ मैं ट्राई करूँगा दिस वन, थर्ड वन, जो सबसे ज़्यादा मुझे देखने में मस्त लग रहा है। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है और मैं आपको डेफिनेटली आपको बताऊँगा कि कैसा है इसका टेस्ट। तो ये बेसिकली सैलड है। ओके तो सैलड देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। तो मैंने बहुत सारा सैलड ट्राई किया है बट दिस कोरियन सैलड इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइस। तो इसके साथ ये चिकन भी आपको दिया जाएगा, तो इसको ट्राई करते हैं कैसा है ये चिकन। दिस इज वाव। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली ये ट्राई कीजिएगा। मैं कोरियन डिश ट्राई कर रहा हूँ और दिस इज जस्ट वाव। ओके तो मैं इसको फटाफट ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपको बाहर रिव्यू देता हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट कैसा था, और मैं पूरा डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और हाइजीन के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र दिया जा रहा है और ये जो टेबल है आपको आपके सामने सैनिटाइज किया जाएगा, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आ सकते हो और ये डिश जो है आप ट्राई कर सकते हो। ओके तो इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ओके तो बने रहिए। ऑलराइट गाइस, तो मैंने कोरियन डिश पहली बार मैंने ट्राई कर लिया है एंड इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, अगर आपको कोरियन डिश ट्राई करना है, क्योंकि कोलकाता में कोरियन डिश मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो मैंने आपके लिए आज एक्सक्लूसिवली ये ब्लॉग मैंने किया है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करें।